2012 तक 6 साल हमेशा एक सपना उनका होता था, यदिम साहब मैं तो अपने इलाके में लड़कियों के लिए स्कूल खोला हूँ और मैं चाहता हूँ आपसे कि आप अपने इलाके में एक CBSE पैटर्न का स्कूल खोलें ताकि हमारे इलाके का बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगा। मैं उनकी बात जब भी हरियाणा से दिल्ली आते थे मार्केटिंग करके शाम को मैं उनसे मिल के तभी निकलता था, हमेशा हजरत जो है ये बात बोलते थे, काफ़ी दिन तक चलते रहा। जब 2012 मुल्तिक आ चुके थे, हजरत को पता था कि अजीम साहब जो है 2012 को अपने वतन वापसी हो जाएंगे, तो उस दिन मैं जब हजरत से घर पर आए खाना खा करके हमेशा निकलते थे आपको 9 बजे हजरत से मुलाकात करके, बोले हजरत मुझसे बोला अजीम साहब मेरी बात याद है ना, उनका हजरत याद तो है, मैं अपने 10 मिनट आपका समय लूँगा। मैंने समय लिया, बोला कि लेट हो जाएगा, हमको नहीं, अभी 6 साल तक आप मुझे कहते रहे मैं सुनते रहा, अब मैं चाहता हूँ कि इस विषय में 2 मिनट आपसे बात करते रहूँ। मैं ये दिमाग में बात आया और हजरत जब कहते थे तो मैं उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, इसलिए कि मेरे दिमाग में बात आता था कि एक स्कूल चलाना व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बिना क्वालिफिकेशन से स्कूल मुझे नहीं लगता है कोई चला पाएंगे, बहुत सा दिक्कत होगा। तो इसलिए जब हम लोग बोलते थे हम उनकी बात सुन लेते थे, और सच्चाई है कि मैं कभी सीरियसली में नहीं लिया। जब उस दिन बात हुई तो 2012 जब करीब हो चुका था कि मुझे लगभग अप्रैल 2012-17 मार्च को हम लोग जो है शिफ्ट किए हैं, फरवरी के आसपास जो हम उनके पास आए थे, तो उस टाइम जो है जब हमको काम पहले अब 10 मिनट आप मुझे समय दीजिए कि बातें करना है, मतलब बैठे वो क्या बात करोगे, हम पहले देखिए अच्छे दिन से आप मुझे कहते रहा, मैं सोते रहा, आप कहते रहे, अब जो है मेरे वापसी का जो है प्लान बन गया है, क्योंकि मुझे वापसी जाना है। वापसी इसलिए जाना था कि मैं सपना देखा था और कोशिश भी था कि मैं इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद मैं अपना वतन वापसी आऊँगा और हरियाणा दिल्ली पंजाब में नहीं रहूँगा, जो भी काम होगा अपने इलाके में ही करूँगा, यह हमेशा मेरा सोच था। उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद जो हजरत को पता था कि ये वापसी जाएंगे, तो उस दिन मैं हजरत के पास बैठा, मैंने कहा हजरत आप जो कहें मैं मानता हूँ, मुझे कोई फैक्ट्री बता दीजिए मैं वो फैक्ट्री लगा दूंगा, मुझे जो लोहे का फैक्ट्री बता दीजिए मैं कचरा खरीद करके फर्श लोहा बना दूंगा, मुझे आप कपड़े का फैक्ट्री बता दीजिए मैं रुई खरीद के कपड़ा बना दूंगा, यहाँ तक जानकारी है, लेकिन स्कूल की बात जो आप कह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, मुझसे नहीं हो सकता। बोले क्यों, हम तो उसके लिए जो है पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति स्कूल नहीं चला सकता, क्या मैं समझता हूँ। बोले और बताओ, इसके अलावा तो जो है मुझे कोई जानकारी है नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति स्कूल नहीं चला पाएगा, मैं मस्जिद नहीं जानता हूँ। उन्होंने सोच करके बोला तुमको एक बात किसने कहा, मैंने कहा हजरत किसी ने नहीं कहा, मैं अपने दिल पर झाँक कर देखता हूँ। बोले नहीं गलत है, स्कूल चलाने के लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है, स्कूल चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, स्कूल चलाने के लिए सोच जरूरी है। जब ये बात बोला तो ये समझ लिया कि मेरी आंखें बंद हो गया, मैं उसके बाद हजरत को कहा हजरत अब मैं यहाँ से इधर सोचना शुरू कर दूंगा, और वास्तव में जो है 2 महीना में वहाँ रहा, क्योंकि मेरा पैसा था, आप जानते भी कि मैं एक बिल्डर था, हरियाणा के अंदर लगभग 25 से 26 स्कूल बनाया गया हुआ स्कूल और 12 डिग्री कॉलेज बनाए हमने 12, और बाकी गवर्नमेंट का तो काफ़ी 1000-1500 फर्क बनाए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। उसके बाद जो है हजरत से बात होने के बाद मैं जो है जहाँ भी स्कूल और कॉलेज बनाता था उन लोगों के बीच में बैठते थे और उनसे चर्चा करते थे, और उसके बाद जो है काफ़ी स्कूल के जो प्रोफेसर है कॉलेज का स्कूल के प्रिंसिपल है उन लोगों से काफ़ी बातचीत होते रहता था। तो उसके बाद उन्होंने कहा लगा अजीम भाई पता चला आप तो जो है वापसी की तैयारी है और स्कूल से बात करने के लगता है कि आप स्कूल बनाएंगे,
हम तो नहीं कब तक तो नहीं सोचे थे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मैं ध्यान ले जाऊँ कि मैं अपने इलाके में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। ये तो जगह तय नहीं हुआ था क्योंकि जो है अब जान लगे मेरा जन्मभूमि जिला अररिया है, फसल पराती पंचायत डिग्री गाँव कनखुटिया, वहाँ मेरा जन्मभूमि है और जिला किशनगंज जन्मभूमि। जब वहाँ से मैं अपने इलाके में आया तो 2 साल तक मैंने कुछ किया नहीं, अपने जगह जमीन जितना मेरे पीछे से लिया गया था सब उन्हीं को जो हमने देख सुन करके कंप्लीट किया। उसके बाद कुछ सर्वे भी करना था, अंदरूनी होता जिस काम पर जो व्यक्ति ठान लेता है तो अंदरूनी जो है 2 साल के हम सर्वे भी किए। उसके बाद हजरत से मिले 2006 में कि हजरत आपकी बात मुझे समझ में आ चुका है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्कूल बनाने के लिए, आप मुझे बताइए जगह और एरिया बताइए। हजरत बोले कि आप बहादुरगंज के आसपास, चाहे वो एलआरपी से किशनगंज रोड हो, किसी एलआरपी से लोहागा रोड हो या बिगलगंज रोड या जो भी हो, इसमें जो आप कहीं भी आसपास बनाते हैं इससे फायदा ये होगा कि जो कि रांची चढ़ाघाट बिगलगंज और हमारे ठाकुरगंज के कुछ हिस्सा पोचा धामन, इस इलाके का जो कम्युनिकेशन है यहाँ बनाने से हमारे इलाके के बच्चे बच्चियों को जो है आने में दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा हजरत जमीन बताइए। तो वो देखिए तो गवर्नमेंट से आप विजिट कराते हैं तो अढ़ाई कर देनी चाहिए, उस वक्त में अढ़ाई कर जमीन था। मैंने कहा ठीक है हजरत हम जमीन देखना शुरू करते हैं। बाबर भाई आप लोगों के पीछे बैठे हुए हैं, हमने काफ़ी जगह देखे। एक दिन नेहरू कॉलेज के अपोजिट पर हमने गाड़ी खड़ा किया और वह खड़ा होकर के जब पश्चिम की नजर मारा ये 12.5 बीघा जमीन में कभी कदम का बगीचा लगा था बहुत बड़ा। सच्चाई है कि मैं इस बगीचा को देख करके ये कहा से जगह मिल जाता स्कूल बहुत बेहतरीन होता है जगह में और इलाके का बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। अल्लाह का शुक्र है, हजरत का दुआ है। चंदे दिन भी नहीं हुआ एक व्यक्ति का फोन जाता है कि अजीम भाई आप जो जगह ढूंढ रहे थे नेहरू कॉलेज के अपोजिट पर जो आप देखे थे बगीचा है बड़ा वो बगीचा कट रहा। मैंने कहा भाई पता करो बगीचा क्यों कट रहा है। उन्होंने पता करके बताया कि वो कोई बिल्डर है ब्रोकर है, उन्होंने जमीन खरीदा है और जमीन किसका था उन्होंने बताया कि जो एक संत प्राण है कटिहार वालों का फर्म का जमीन था उन्होंने बेचा है इन्होंने खरीदा। मैंने कहा ठीक है उनका नंबर बता दीजिए मुझे। मैंने उनका नंबर बता लिया और बाबर साहब को सौंप लिया और मोटरसाइकिल लेके रात को पहले मैं उनसे बात किया। बात क्या क्योंकि वो पानी बहुत लंबी है और वक्त का भी तकेजा है क्योंकि हमने 2 बजे का समय दिया है और समय का कदर हम ही नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं होगा, तो शॉर्ट में हम बात करेंगे कि ताकि अपनी बात जल्दी खत्म हो जाए। तो हम लोग जो है फौरन निकल गए उनसे बातचीत होने के बाद आज उसके ट्रांजेक्शन चौकों से घर पर बैठे जो मरूम जमीन साहब आज दुनिया में नहीं है उनको अल्लाह जो है जन्नत नसीब हो। उनके घर पर बैठे मैं बात चला अपनी जमीन बेचने के बारे में, प्रसर दिया कि मेरी जमीन ले लीजिए किशनगंज में मेरा प्लॉट है और उसको जो हम जो घुमा के लाना था इस जमीन पर। मैंने कहा कि भैया जो है मेरा जमीन ले लीजिए, मैं हरियाणा से आता हूँ यहाँ मुझे पार्टी को नहीं मिलता है और आप जो है मेरी जमीन भिजवा देंगे तो बेहतर रहेगा। बोले भैया मैं तो खुद लिया हूँ तो आपकी जमीन तो मेरा काम ही है आप लेते हैं देखते हैं। इस तरह घुमाते बात करते करते मैं कीमत पर आया। मैं ये नहीं देखा कि उन्होंने किस कीमत पर खरीदा है, मुझे इस चीज़ को हासिल करना था। मुझे पता था कि जैसे जो मैं यहाँ से उठूँगा अगले दिन जमीन नहीं मिलेगा। उसने किस कीमत पर खरीदा था मुझे इससे मतलब नहीं था, मुझे कितने में खरीदना था उस बात को मेरा दिमाग में था। जैसे करीब आया मैं उसको निकाल के 1 लाख रुपये बहना दिया कि आपका जमीन डन है। आप लोगों को याद भी होगा फिर जो है हो सकता मैं भूल जाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा, 2013 में ही एक इज्तमा हुआ था अररिया, शायद मेरे ख्याल से 16 तारीख को शायद उसका दुआ था जो मुझे ध्यान आ रहा। मैंने कहा उनको कि आज 12 तारीख की बात है और जो है जलसा है इज्तमा है अररिया, 16 तारीख को दुआ होगा और जो आपके पास में जो है 19 तारीख को आएंगे 1 लाख रुपया सबून ये पकड़िए 40 लाख रुपया दे करके एग्रीमेंट बनाएंगे 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री करा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हाँ भरा और इज्तमा के बाद हम आके उनको पेमेंट दिए
अग्रीमेंट बनाया। अग्रीमेंट बनने के बाद जब मैं पता किया, हजरत जब इलाके में आए हुए थे, मैं सीधा हजरत के पास गया, हमको हजरत स्कूल की जमीन मिल गया। मैंने कहा हम तो जो है नेहरू कॉलेज के अपोजिट में, कितनी जमीन मिला? 12.5 बीघा। हजरत बोले 12.5 बीघा एक प्लॉट कैसे मिल गया? हमको आपकी दुआ, तो जमीन तो मिलना ही था। तो ये हजरत की दुआ है कि जमीन खरीदा गया। 2014-15 नवंबर को फाउंडेशन रखा गया था उनके हाथों से। उसी दिन ही इस जगह का नाम आसान नगर था। जब ये बात आई कि आसान नगर नाम ऐसे सीधा नहीं कहा, मैंने कहा हजरत जगह का नाम, स्कूल के नाम तो मैंने बता दिया था कि अजीम और नेशनल होगा, इसलिए नेशनल होगा। मैं चाहता हूँ कि नाम ना छुपाए, क्लियर हो कि स्कूल किसका है। और आगे नाम जो नेशनल दिया था तो मेरा कंपनी का जो नाम था नेशनल कंस्ट्रक्शन इंडिया, तो काफ़ी तरक्की किया था। तो सोच था कि मैं कोई भी काम करके तो नेशनल से जोड़ दूंगा। तो इंडिया के जगह में अजीम रखा, नेशनल स्कूल नाम हो। बोला आप तो तय कर चुके हैं, हम तो आप जगह का बताइए। मैं कहा कि जगह का नाम मैं चाहता हूँ कि जो है किसी बुजुर्ग के नाम से रखा जाए, तो बताइए नाम। हजरत मैं एक कहानी सुना था मेरठ में, जब मैं 84 में मेरठ था तो कुछ लोग मुझे बता रहे थे कहानी कि जो एक पागल बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मर की माँ के बोलता था कि ये इलाके में आफत आएगा, तूफान आएगा, ये बचाएगा, सिर्फ एक बिल्डिंग की तरफ दिखा रहा था। हजरत की जब कुछ दिन के बाद वो तूफान आए, इलाका तबाही मच गया और वो बिल्डिंग के चौक तरफ महफूज रहा। तो लोगों ने कहा कि भाई बिल्डिंग के जो पागल जो बता रहा था, क्या था? जब वो जगह पर गया, उस जगह में एक पत्थर लगा हुआ था, उस नयन कलेज में जो है किसी बुजुर्ग का, उस नाम के असर पर जो है वो इलाका महफूज था। तो बोले कि आपने भी सुन रखा तो आपके नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं अफसर नगर रखना चाहता हूँ। तो बोला कि मैं इसमें खूब बोल सकता हूँ आपको। तो अल्लाह का शुक्र है कि हजरत के दुआ, हजरत आज हमारे बीच में नहीं है, ये तो कमी सता रहा है। जैसे स्कूल की बात होता है, मुझे लगता है कि हजरत मेरे साथ खड़ा है, उनके सहारा मेरे सर पर है, मुझे घबराहट नहीं होता है। क्या मैं कॉलेज की बात करूं या अपने दूसरे तीसरा ब्रांच की बात करूं, मुझे 1% भी घबराहट नहीं आता है कि मैं शिक्षित नहीं हूं, इसको कैसे चलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी है आज आप लोगों के सामने है। हजरत दो चीज पर ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस करते थे, शिक्षा के बारे में, हमेशा शिक्षा। इलाका शिक्षित होगा गरीबी दूर होगा, इलाका शिक्षित होगा गरीबी दूर होगा। शिक्षित होगा तो बनेंगे वो IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे हमारे इलाके का बच्चे, तो हमारे इलाके का लिए इलाज होगा। हमारे इलाके में बहुत लोग परेशान है, काफी लोग आते हैं, कितना मदद कर सकते हैं हम जो है, किसी को 1000 दे दें, किसी को 500, किसी को 200 नहीं दे सकते हैं। जो हमारे इलाके में डॉक्टर होंगे तो उनका इलाज खुद ब खुद हमारे लोग उनका जो सेवा करेंगे। ये हमेशा ये सोच होता था। तो मैंने भी ठान लिया था कि हजरत आपकी ये दो बातें मैं हमेशा जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा ये बात लेके चलूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा मेहनत, मुझे 24 घंटा भी घूमना पड़ जाए, मुझे 24 घंटा भी जगना पड़ जाए, मैं जगूंगा। मैं स्कूल के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और अल्लाह ने चाहा वो दिन भी दूर नहीं होगा कि मैं बहादुरगंज में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाऊंगा कि ताकि लोग हमारे सीमांचल के लोग सिल्लीगुड़ी ना जाए। सिल्लीगुड़ी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, एक बार वहां पहुंच गया तो इतना दुर्गति होता है, इसका तो अंत नहीं होता है। आज पुरनिया जाके देखिए, अररिया देखिए, जो भी हॉस्पिटल में देखिए, देखिए हालात अपना जो है इसका तो अंत नहीं है। इंशाल्लाह मैं जगह के लिए सोचा था कि मेरा ये रोड किशनगढ़ रोड पर गेट लगना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है अभी मार्च में ही, अप्रैल में ही रजिस्ट्री हुआ है हॉस्पिटल के लिए। 2.5 बीघा जमीन जो हमारे स्कूल की जमीन के साथ लगा हुआ, तो वो जमीन जो है 2.5 बीघा खरीदा दिया है।
उसमें से हमारी जमीन है, जितना हॉस्पिटलों को चाहिए वो जमीन हम देंगे। और आप लोगों से भी दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी दुआ करें ताकि हॉस्पिटल बने, इस इलाके के लोगों को इलाज हो। एक जरूर होगा लोगों की एक बात होता है, आप कोई भी एक काम कीजिए, इलाके को भापना है, ईमानदारी के साथ किसी भी मस्जिद या मदरसा का रसीद लेकर के आप इलाके में घूमिए तो लोगों कह देगा अजीम भाई को काम नहीं मिला है, मैं आप बहुत चंदा शुरू हो। वो व्यक्ति ये नहीं देख रहा है कि वो चंदा जो शुरू कर रहा है उसकी मकसद क्या है, उसकी सोच क्या है, क्या वो इलाके के लिए मस्जिद के लिए कर रहा है या मदरसा के लिए कर रहा है। ये हमारे इलाके के लोग, हम लोग सवाल उस पर खड़ा कर देते हैं कि आप काम नहीं मिला वो चंदा भर, ये सवाल है उसका, उसका मनसा पर सोच होनी चाहिए हमारी कि वो व्यक्ति की सोच है, वो व्यक्ति से समय निकाल करके आज एक मस्जिद के लिए या एक मदरसा के लिए चंदा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम वो व्यक्ति को समय दे रहा है और मदरसा बन रहा है तो हमारे व्यक्तियों की तालीम मिल रहा है, जो मेरी जो है बुनियादी तालीम है, जिससे मुझे जो है जन्नत नसीब होगा, जिससे जो है मेरे इलाके को जो है ये खुशियाँ मिलेगा, जो इलाके को हमारे जो है बड़ा से दूर होगा, वो तालीम मिलता है हमारे मदरसों से। हमारे मदरसा के औरों में अपने मेहनत करता है कि पूरा इलाका चंदा के बाद भी पूरा नहीं होता है। और तनख्वाह जो हम काफ़ी मदरसा से जुड़ा हुआ भी हूँ और बहुत अफसोस और दुख होता है, उस मदरसा का जो है क्षेत्र देखते हैं और जब मीटिंग होता है उसका चंदा देखते हैं, नहीं होता है। एक व्यक्ति आलिम और हाफिज काम को करता है मदरसा में और जो है तनख्वाह लेने के लिए एक ही समय मिलता है उनको रमजान में, और वो जा करके इलाके में जो है बाहर जा करके वो चंदा करके अपना तनख्वाह देता है। वो तनख्वाह जब भी पूरा नहीं होता है तो फिर जो है नाजिम साहब कह देते हैं कि आप जो है अगले साल चंदा करके अपना ले लेंगे या बीच में आपको हम थोड़ा समय देंगे, आप अपना चंदा करके तनख्वाह ले लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, जितना भी तारीफ करें तो बहुत ही कम है। हमारे उलमा का ही देन है कि आज हमारे इलाका सुरक्षित है। आप लोग देखते भी जानते भी होंगे, काफी इलाका से वाकिफ है, मैं भी अपने क्षेत्र से वाकिफ हूं। जब 1982-83 में सौराष्ट्र में कुरान खानी करना होता था तो मैं किसी उलमा के पास, हम लोग जाते थे तो उसको बुला के लाते थे, वो एक के वहाँ कुरान खानी कर रहा था, 10 आदमी उसके लेन पे खड़ा है कि मुझे साहब मेरे वहाँ चले, वो कहते मेरे वहाँ चलिए, इस तरह से बातें हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सीमांचल से काफी नौजवान बाहर गए, वहाँ से आलिम हाफिज बन के आए हैं, आज जगह जगह जो है मदरसा खोल के हमारे इलाके को शिक्षा दे रहे हैं और हमारे इलाके का जो है आलिम हाफिज काफी पैमाने में बना है। आज खुदा का शुक्र है, कोई फातिया करना, कोई मिलाद है, कहीं कोई काम होता है तो माशाल्लाह जो है अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, वक्त मिलेगा फिर हम सब लोग बैठ के रहेंगे, ऑफिस जो है गुप्त करते रहेंगे। मैं यही कहूँगा, अफसोस और दुख की बात कि जिस हिसाब से मैंने इलाके को चुना था कि हजरत के नाम पर काफ़ी मजमा होंगे, चाहने वाले लोग हैं, कुछ हालात ऐसा है कि जो है लोग नहीं आ सके, कोई बात नहीं, आगे समय आएंगे और फिर जो है इस तरह से हम लोग प्रोग्राम करेंगे। आज से जो है मैसेज भी जाएगा ताकि जो है देखिए इस तरह से जो है उलमाओं को बुजुर्गों को हम लोग भूल जाएंगे तो कल जो है लोग आप लोगों को भी जो सब लोगों को भूल जाएंगे। तो हम लोग जो है कोशिश करें इस तरह से कोई मामला आता है किसी भी जो है हमारे जो है इलाके में काम करने वाले व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से काम करता हो, इलाके बारे में चिंता करता हो, उनके दुआ खैर के लिए जब भी मिले तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग जुटेंगे। आप सब लोग जो है आज आए हैं हजरत का दुआ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, मनोबल बढ़ा, हिम्मत बढ़ा। मैं आप लोगों से विदा होता हूँ कि समय बढ़ गया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।